टड़ंग टड़ंग टड़ंग, क्या 2000 रुपए में खा सकते हो जयपुर का वायरल खाना? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात, सुबह और शाम, सारा का सारा खाना सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम गाइज, और आज के फूड चैलेंज में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जयपुर का वायरल फूड जो सोशल मीडिया पे हो रहा है बहुत ज़्यादा पॉपुलर। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं आ गई श्याम भटूरे वालों के, जहाँ पे बोलते हैं कि दिल्ली वाले छोले भटूरे मिलते हैं। तो चलो चल के देखते हैं कि वाकई इनके छोले भटूरे में दिल्ली 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 वाला स्वाद है कि नहीं। सकम, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, ये बताइए, हमने आपके छोले भटूरे के बारे में बहुत सुना है कि दिल्ली वाला स्वाद आता है, तो दिल्ली वाले जैसे वो नागपाल जी क्या और बहुत सारी जगहों में जो छोले भटूरे मिलते हैं वैसे ही स्वाद आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। यहाँ पे मेरे को छोले भटूरे बनेंगे 80 रुपए के 2 भटूरे, एकदम बड़े बड़े भटूरे फूले फूले आएंगे। ये बताइए, आप अपने भटूरे के अंदर पनीर भी डालते हो क्या? डालते पनीर, क्या बात है यार, ये तो सोने में सुहागा हो गया, क्योंकि दिल्ली वाले भटूरों के अंदर हल्की सी ना पनीर की फीलिंग होती। तो भैया हमको लगा दीजिएगा एक छोले भटूरे। थैंक यू। ये देखिए गाइज, यहाँ के छोले एकदम मस्त काले काले दिख रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा रोगन भी इसके अंदर डला हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आ गया गाजर वाला अचार, और ये देखिए गाइज, यहाँ पे बनेंगे गाइज मस्त मस्त वाले छोले भटूरे। तो भैया जरा बना देना एकदम गर्मा गर्म 2 भटूरे। और यहाँ पे देखिए, अरे वाह, ये तो पनीर की फिलिंग भी रखी है इन्होंने, गजब। ये देखिए गाइज, यहाँ पे हमारे भटूरे बनने जो स्टार्ट हो गए, क्या बढ़िया हाथ से लपेटा है भैया ने भटूरे, आ हा हा, एकदम डांसिंग भटूरा मुझे लग रहा है, बहुत ही गजब का। ये फूलेगा ना? आहा, फूलना चालू हुआ, आहा, क्या गजब का भटूरा फूला है वाकई यार, देखते ही दिल खुश हो गया। गाइस गाइस गाइस, ये देखो आगे गर्मा गर्म छोले भटूरे 80 रुपए के मस्त मस्त फूले फूले छोले भटूरे। सो जस्ट ट्रैवल के देखे, क्या गजब के भटूरे फूले हैं एकदम। ये ट्विन सिस्टर जो डांसिंग सिस्टर है ना, मस्त मस्त भटूरे फूले यार, एकदम मेरे मुंह इतने बड़े लग रहे हैं, हम लोग लग रहा है ट्रिपल सिस्टर्स हो गए मोटापे के चक्कर में। और उसके साथ साथ यहाँ पे दिया इन्होंने मसाले वाले आलू, गाजर का अचार और चटनी प्याज दिया, और ये है इनके दिल्ली वाले छोले, एकदम लपेटवे छोले हैं। बट एक चीज मुझे जो दिख रही है इनकी, दिल्ली में थोड़े मोटे मोटे बड़े बड़े छोले होते हैं, यहाँ पे छोले थोड़े से गाइस छोटे छोटे, पर चले कोई बात नहीं, साइज छोटा हुआ तो क्या हुआ, साइज डजंट मैटर, यहाँ पे तो खेल सारा का सारा स्वाद का। तो चलिए सबसे पहले हम अपने भटूरे को करते पंचर, पुट 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 पुट, ये पूरा का पूरा भटूरा पंचर हो गया। और देखूं तो जरा इसके अंदर तो पनीर की फीलिंग है या नहीं है, ये देखो, ओ हो गाइस, पनीर तो बड़ा हल्का फुल्का सा लग रहा है, इसके अंदर तो कोई कसूरी मेथी वेथी डाली है, देखो मुझे तो पनीर ढूंढने से भी दिख नहीं रहा गाइस। चलिए कोई बात नहीं, इस भटूरे को करते हैं बंद, रखा तो था गाइस, पता नहीं पनीर दिखा नहीं। पहले छोले की टेस्टिंग करते हैं कैसा है, गजब के छोले हैं, एकदम लपटवे हैं, एकदम गले हुए छोले हैं, प्रॉपर प्रॉपर अगर हाथ में दबा के देखोगे ना, पुटाक से एकदम से दब जाएगा ये छोले का। मुझे मटर ज्यादा लग रही है ये, आह आह, अरे बाप रे, उंगली जल गई मेरी। बट सच में मसालेदार है, एकदम लपटवे छोले, दिल्ली वाला स्वाद आ रहा है, बट इसके अंदर थोड़ी सी अदरक भैया डाल देते ना तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाता। एंड के भटूरे भी वाकई सही बताओ, एकदम स्ट्रेची भटूरे नहीं है, एकदम फ्रेश भैया ने सामने बनाया, तो देखिए एकदम पूरी की तरह मुलायम तरीके से टूट जाते हो 80 रुपए में, ये फुल पैसा वसूल छोले भटूरे है। इट्स लंच टाइम गाइज, और लंच खाने के लिए मैं आ गई हूँ द फॉर्नो, जहाँ पे मिलता है वुड फायर पिज्ज़ा। एंड गाइज, ये रेस्टोरेंट सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देते इंडियन फ्लेवर वाला इटालियन पिज्ज़ा। तो चलो चल के देखते हैं कि इन्होंने अपने इटालियन पिज्ज़ा के साथ ऐसा इंडियनाइजेशन क्या करा है, तो चलो पता चलेगा, आ जाओ। सो गाइज, ये अंदर रेस्टोरेंट में आ गए, और मेनू भी ना एक तरफ इंडियन पिज्जा मिल रहे हैं और दूसरी तरफ मिल रहे हैं इटालियन पिज्जा। तो चलो भैया से पूछे हाफ एंड हाफ कर सकते हैं क्या। हेलो भैया, ये बताइए, ये एक तरफ इंडियन है एक तरफ इटालियन है, तो हाफ एंड हाफ पिज्जा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे 3 साइज है पिज्जा के, ये है 9 इंच, 12 इंच, 15 इंच। 15 इंच का पिज्जा मैं खा लूंगी क्या लगता है आपको? खा लूंगी, इन्होंने भी मेरी डाइट देख के बोल दिया कि मैं खा लूंगी, इसकी हट्टी कट्टी दिख रही। अच्छा, तो सबसे पहले देखो इंडियन में सबसे बेस्ट क्या है, कौन सा खाना चाहिए मुझे? और ये पिज्जा जाफरानी का है, थोड़ा अलग सा होगा ना, जाफरानी मतलब केसर वाला पिज्जा। तो गाइस मैंने आज तक नहीं खाया, सिर्फ केसर की बिरयानी खाई है, बट पिज्जा नहीं खाया। तो ऐसा करना भैया, ये एक तो पनीर जाफरानी आधा आधा, और जो आधा पिज्जा बचेगा ना वेगन
वेगानो तो इसके अंदर सारी टॉपिंग्स आ जाएंगी, कर दोगे तो कितने का पड़ेगा? ये तो बड़ा महंगा सा पिज्जा हो गया मुझे लगता है। चलो देख के बताऊंगी कितने का पिज्जा है गाइस। हां 900 रुपए का पिज्जा हो गया। और पीना भी क्या, पहले बता दिया खम्बुचा। खम्बुचा मैंने नहीं ट्राई कराया गाइस कभी। खम्बुचा तो फर्मेंटेड ड्रिंक होती है ना, कुछ तो अजीब सी तो नहीं लगेगी पक्का। तो एक खम्बुचा भी आप लगा दीजिए। मेरा फुल्ली लोडेड पिज्जा, इटालियन पिज्जा एंड इंडियन पिज्जा जो मुझे पड़ा पूरे के पूरे 900 रुपीस का। सो जस्ट हैव अ लुक। ये साइड जो है इंडियन पिज्जा की है, तो यहाँ पे गाइस मेरे पास जाफरानी पनीर पिज्जा है, और ये जो है यह इटालियन पिज्जा, ये है फुल्ली लोडेड, सारी टॉपिंग्स इसके अंदर है, पिज्जा वेंटुरा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपना इंडियन पिज्जा खाने की जो है एकदम इच्छा जाहिर करूंगी। तो सबसे पहले तो गाइस इसके अंदर हम डालेंगे ये मस्त मस्त ऑलिव ऑयल। यहाँ पे देखिए मैंने ड्रिजल कर दिया है इनका ऑलिव ऑयल मजे से, और यहाँ पे दिया है इन्होंने खुद का बना हुआ, ये देखिए गाइस ये है एकदम फायरी रेड इनका चिली चिली ऑयल। आह क्या बढ़िया लग रहा है। और उसके साथ गाइस यहाँ पे मैंने मंगाई है मेरी खम्बुचा, जिसके अंदर जिंजर एंड हिबिस्कस है। तो ये है फर्मेंटेड टी, तो पी के बताऊंगी कि कैसी है। पड़े मुझे पूरे के पूरे 200 रुपीस की। तो यहाँ हाय राम गाइस, मैंने तो लंच के अंदर पूरे के पूरे 1100 रुपए खर्च कर दिए। तो आगे देखूंगी कि चैलेंज में मुझे और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले खाती हूँ ये अपना इंडियन वाला पिज्जा पनीर जाफरानी। वो ऑल राइट, बहुत गर्म है पनीर, इतना गर्म था वो, बाप रे बाप मेरे मुंह से ही बाहर आ गया। एक बात बताओ गाइस, जो तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा मैं अक्सर खाया करती हूँ, उससे ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अलग है। इन्होंने जो ज़ाफ़रानी ग्रेवी है ना, वो इसके ऊपर डाली है, उसके ऊपर डाले बड़े बड़े पीस पनीर के। तो ये ना एकदम वो जो बिरयानी वाला स्वाद होता है ना, वो जो केसर वाली बिरयानी, ज़ाफ़रान मतलब केसर, तो जो केसर वाली बिरयानी आती है ना, एकदम वैसा का वैसा स्वाद आ रहा है। एंड सही बताओ इनका जो क्रस्ट है, जस्ट लुक एट द क्रस्ट, एकदम परफेक्ट बना है वुड फायर पिज़्ज़ा की ना बात ही होता है। इतना एयरी इनका जो बेस होता है ना, गज़ब का होता है। अब खाऊंगी मैं मेरा इटालियन पिज्जा। ये जो चिली ऑयल है काफी तीखा है, तो मैं ना वो वाली साइड निकाल रही हूं गाइस जिसमें मैंने चिली ऑयल डाला है। मैं खाऊंगी इधर से, ये देखिए फुल्ली लोडेड पिज्जा। ओ ऑल राइट, आहा ये आ गया मेरा चीज पुल। गाइस इनकी जो पिज्जा सॉस है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सटल सी है, हल्का सा हिंट ऑफ गार्लिक भी उसमें मुझे आ रहा है। एंड फुल्ली लोडेड पिज्जा है, इसमें तीनों तरीके के बेल पेपर्स डाले उन्होंने, रेड ग्रीन येलो, फिर ब्रोकली है, फिर ऑलिव्स है, एंड जिकनी भी डाली है। ये वाला पिज्जा ना बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है। अब देखना मैं इसका क्या करूंगी, मैं इन दोनों, ये जो संगम है ना इंडियन और इटली का, इसको संगम में कन्वर्ट करके ये बना लिया मैंने गाइस एकदम अपना सैंडविच पिज्जा। अब ना मेरे को मेरे पिज्जा में दोनों तरीके के स्वाद आएंगे। ये जो गाइस मैंने पिज्जा का संगम करा है ना, एकदम काबिले तारीफ है। जो फ्यूजन करती हूँ ना मैं खाने के साथ, मुझे लगता है मैं ही कर सकती हूँ। अब बारी है खम्बुचा पीने की, तो चले पहले इसको खोल। अरे अरे मम्मी ये तो बाहर आ गया सर। ओ मम्मी मेरा पिज्जा इधर कोने में, करो ये क्या हुआ? अरे ये तो कुछ ज्यादा बाहर आ गया, इसको बंद करो। ओह इसमें सोडा था इतना सारा, मुझे तो गाइस आइडिया नहीं था, पर ये बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है मुझे लग रहा है। गर्मी के टाइम में ठंडी ठंडी खम्बुचा पी के मजा आ गया। देखो अरे यही तुम्हारा मुंह बंद कर देती है। ये वाकई यार बहुत गजब की है, इतनी गर्मी में ठंडा खम्बुचा पी के मजा आ गया। ये फर्मेंटेड टी होती है जिसके अंदर जिंजर का एकदम प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है, बहुत अमेजिंग है। इट्स स्नैक टाइम गाइस, और स्नैक में आज मैं खाने वाली हूँ जयपुर में वायरल हुए गोल गप्पे गाइस। ये गोल गप्पों में ना तो आलू जाता है ना तो पानी जाता है। चलिए चल के देखते हैं कि इन गोल गप्पों में ऐसा क्या जाता है। और मैं वो वाले गोल गप्पों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले गोल गप्पों में तो भिन्न भिन्न प्रकार के पानी जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ की, ये देखिए गाइस गोल गप्पे की कार्ड में। और ड्रैगन फ्रूट क्या कर रहे हैं भैया, आपके गोल गप्पे में क्या अलग है, क्या अनोखा है ये बताइए आप मुझे। आपके गोल गप्पों में पानी वानी तो कहीं दिख नहीं रहा, क्या क्या डालते हो आप?
मैम पानी नहीं डालते, फ्रूट में फ्रूट डालते हैं, पाइनएप्पल, फ्रूट, एप्पल, ड्रैगन। ये फ्रूट रहेगा आलू की जगह? ओह माय गॉड गाइस, ये फ्रूट वाले गोलगप्पे तो मैंने नहीं खा कभी खाए, तो पानी की जगह क्या डालोगे? पानी की जगह योगर्ट, छह फ्लेवर के, दही, छह छह फ्लेवर के इसके अंदर रखे हैं क्या? लाइए लाइए दिखाइए दिखा, अरे वाह, ये देखिए जैसे पानी के टंगेड़े होते हैं, यहाँ पे इन्होंने दही के जो है मर्तबान लगाए हैं। तो क्या क्या फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, और ब्लूबेरी है, ऑरेंज है, रेड चेरी है, पाइनएप्पल है। कितने की एक प्लेट? 70 का मैम। 70 का, तो हमें लगा दिएगा ये विचित्र प्रकार के वायरल गोलगप्पे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे गोलगप्पों का अंदर का मसाला जो है रेडी हो गया है। पाइनएप्पल है, एप्पल है, ड्रैगन फ्रूट है, बहुत सारे फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। ये गोलगप्पे कम ऐसे फ्रूट चाट तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। देखिए फटाफट से जो है फ्रूट सैलेड मेरे पानी वाले गोलगप्पों में चली गई है। एंड अब पानी नहीं गाइस, इसमें जा रहा है अलग अलग तरीके का योगर्ट। तो ये आ गया स्ट्रॉबेरी वाला, ये आ गया आपका मैंगो वाला। पानी बताशों में तो जब तक वो हरी लाल चटनी ना, हाँ ये देखो लाल चटनी भी आ गई। अब योगर्ट के साथ चटनी भी डाल दी। सो गाइस, ये आ गए मेरे 70 रुपए के बहुत ही वायरल हुए गोलगप्पे। देखो देखो क्या बढ़िया सुंदर रंग बिरंगे जो है ये गोलगप्पे लग रहे हैं। अब देखना ये है कि जो वायरल गोलगप्पे हैं वाकई इनमें स्वाद है या नहीं। वैसे दिखने में तो यार ये बड़े अतरंगी है। देखो गाइस, जो पानी वाले गोलगप्पे होते ना उनकी बात तो एकदम निराली होती। वैसे ये गोलगप्पे मुझे तो कुछ खास नहीं लगे, पता नहीं वायरल कैसे करते। जिनको हेल्दी वाले गोलगप्पे खाने उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये गोलगप्पे कम ये फ्रूट चाट ज्यादा लग रही है। डाइट वाइट में होते ना वो ये गोलगप्पे जरूर खाना। गाइस पानी पूरी में तो मजा नहीं आया था, तो मैं आ गई हूँ स्नैक टाइम पार्ट 2 करने। यहाँ पे मैंने सोचा पानी पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, चलो चल के मस्त वाली भेल पूरी खाते हैं। तो आ जाओ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंकुर.com वाले भैया के, जिनके आगे भेल पूरी एकदम वायरल हो रखी है सोशल मीडिया पे। तो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। ये बताइए, आपके पास मैं देख रही हूँ लैया भी रखी है, नमकीने भी रखी है, और ये अंकुरित चने वने कहाँ गए आपके? आपने तो लिखा है अंकुरित.com, किधर है अंकुर? ये रहा, अरे अंकुरित दाल है, तो मूंग दाल है, इसके अंदर अंकुर निकला है। पास से दिखाइए जरा, अंकुर है या नहीं है? ये बताओ आप दोनों में से अंकुर कौन है? अंकुरित दाल होती है, पर अंकुर कौन है? अंकुर कोई नहीं। तो कितने की आपकी अंकुरित चाट? छोटा 40, बड़ा 70। तो हम तो 70 वाला खा लेते। आज देखो हमारा बजट बहुत है गाइस, तो हम तो ज्यादा चाट खाएंगे। पर ये तो फिर हेल्दी चाट हो जाएगी। हेल्दी और टेस्टी। अच्छा तो ठीक है, टेस्टी बोला है भैया ने, तो खा के बताओगी टेस्टी है कि नहीं। तो बढ़िया एक अंकुरित चाट लगा दीजिएगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरी अंकुरित चाट जो है बनना चालू हो गई है। प्याज, टमाटर, आलू, शालू सब आ गया। ये आ गए अंकुर। ये गाइस अंकुर मूंग के अंकुरित है, आपके अंकुर लड़कों का मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे सारे मसाले इनके बेहतरीन तरीके से चले गए। ये कौन सा मसाला है? जीरा पाउडर? नहीं, जीरा पाउडर नहीं, ये ना गरम मसाला ना चाट मसाला, ये थोड़ा तरीके का अजमा। 16 तरीके से मसालों से बना एक अनोखा मसाला गाइस। यहाँ आ गया हमारा मस्त नींबू चाट के अंदर। अरे भैया तीखी तो नहीं है आपकी मिर्चे? एकदम, क्या बात है। और अब बारी आ गई इनकी चटनियों की, तो हरी हरी चटनी तो चली गई है। सो गाइस, ये आ गई मेरी 70 रुपए की अंकुरित चाट। तो देखिए क्या सुंदर मुंदर सजाया भैया ने, मस्त एकदम पत्तल के ऊपर ये चाट परोसी गई है। सुंदर बड़ी लग रही, तो मुझसे रुका नहीं जा रहा गाइस। तो चलो देखते हैं कैसी है। कमाल की चटपटाहट है चाट के अंदर। वैसे लेकिन जो हम लोग अक्सर ना लैया की बनी हुई भेलपूरी खाते हैं, उसकी जो कुरकुराहट है वो इसमें ज़रूर मिसिंग है, बट जो स्वाद है वो एकदम भेलपूरी वाले जैसा एकदम चटाकेदार चाट है। एंड सबसे बड़ी बात, ये एकदम हेल्दी चाट है, इसके अंदर कोई नमकीन शमकीन कुछ नहीं गई, प्रोटीन से रिच है। तो ऐसी वाली चाट का और अपने बाइसेप्स बनाओ जैसे मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं। इट्स डिनर टाइम गाइस, और डिनर खाने के लिए मेरे पास बचे पूरे के पूरे 680 रुपीज। और अब मैं आ गई जयपुर की बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग जगह में, दैट इज राजा पार्क। यहाँ पे नजर उठा के देखिए, इतना सारा स्ट्रीट फूड लगा हुआ है। यहाँ पे पाव भाजी मिलेगी, मैगी मिलेगी, अंडे मिलेंगे, सूप मिलेंगे, बट मेरी नजर टिकी है जो कि जयपुर का हो गया है वायरल फूड, एंड दैट इज फलाफल। तो यहाँ अभी मैं फलाफल हाउस में, ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रीट्स के अंदर फलाफल मिल जाएगा, अदरवाइज आपको हाई एंड रेस्टोरेंट में ही फलाफल मिलता है। तो देखिए हम क्या खाते। हेलो भैया, हाउ आर यू?
ये बताइए फलाफल में आप क्या क्या रखे, क्या क्या दे रहे हैं आप? मैम फलाफल में हमारे पास रोल्स हैं, ओके, स्टार्टर्स हैं, ओके, राइस बॉल है, फलाफल पाव है, फटू सैलेड है। तो ऐसा कुछ है जिसमें सब कुछ आ जाए? प्लेटर मैम, प्लेटर। ये फोटो कौन सी है? फोटो कौन सी प्लेटर? ओके ये है प्लेटर। ओके तो इसके अंदर हमस आ गया, फलाफल आ गया, फ्रेंच फ्राइज एंड पिज्जा ब्रेड, एंड ये सैलेड भी है। ओ लवली सैलेड। ये कितने का है मैम? 170 मीडियम प्लेटर। ओके ओके तो ये पिज्जा ब्रेड फ्रेश बनाते हो आप? जी मैम, ये होममेड। ओ लवली, तो मुझे ये मीडियम वाला एक फलाफल प्लेटर दे दीजिएगा। सो गाइज ये आ गया मेरा 170 रुपीस का फलाफल प्लेटर। सो जस्ट हैव अ लुक, ये कितना कलरफुल सा प्लेटर लग रहा है। यहाँ पे फ्रेशली बेक पीटा ब्रेड है, सैलेड है, साथ में अनियंस भी दिए, एंड ये एकदम फ्रेश मेरे सामने फ्राई करी हुई गाइज फलाफल की पैटी है। और उसके बाद यहाँ पे हमस दिया जिसको टॉप अप करा गया ऑलिव एंड शुमैक एंड ऑलिव ऑयल के साथ। तो चलिए अब देखते हैं कि ये खाने में कितना कमाल दिखा दिया। तो देखो सबसे पहले तो हम अपनी पीटा ब्रेड तोड़ेंगे, तो दिखाइए। ओ वाओ कितनी सॉफ्ट है गाइस, एक उंगली से ही टूट गई आराम से। और अब देखते हैं यहाँ पे इनकी पैटी कैसी है, क्या जादू करती है। अब इसमें लगाते हैं हम थोड़ा सा हमस। एब्सोल्युटली अमेजिंग, मतलब इतना फ्रेश है। अगर ये मैं फलाफल की बात करूँ, जनरली सब जगह क्या होता है ये पैटी ना बहुत हार्ड हो जाती है, बट इनकी कमाल की बात है गाइस, चिकपी की पैटी बनी हुई है और एकदम हार्ड नहीं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम गर्मा गर्म है। मज़ा आ गया उसको खा के। एंड इनका जो हमस है ना, जस्ट लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस हमस, एकदम बटरी बटरी ग्रेनी बटरी बटरी स्टाइल का हमस बनाया है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। एंड इसके ऊपर जो हल्का सा पेपर पाउडर इन्होंने डाला है वो वाकई इसके अंदर बहुत एक किक सा जो है ऐड कर रहा है। मतलब लेबनीज खाना ऐसे स्ट्रीट पे मिल जाए तो बात बन जाए, सब कुछ इतना फ्रेश है, फ्रेशली आपके सामने बनाते हैं, ये देखकर और ये खा के वाकई मज़ा आ गया। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और डिजर्ट खाने के लिए मेरे पास बचे पूरे के पूरे 510 रुपये। और अब डिजर्ट खाने के लिए मैं आ गई जयपुर की बहुत ही वायरल डिजर्ट प्लेस में जिसका नाम है जार्ज एंड मोर, और यहाँ पे मिलते बड़े महंगे महंगे से डिजर्ट। तो यहाँ पे मैं खाने वाली एक ऐसा केक जो फ्रेशली आपके सामने ही बनाया जाता है आपके ऑर्डर देने के बाद। तो चलो देखते हैं इतने फ्रेश केक में क्या वायरल हो रहा है और ये खाने में कैसा है सबका। सो गाइज यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा है अपना फ्रेश केक जो है पिस्टैशियो एंड रोज, एंड ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का केक होने वाला है। शेफ को मैंने बोल दिया अंदर प्रिपेयर हो रहा है। एंड उसके अलावा यहाँ पे देखे गए इतने बेहतरीन तरीके के केक्स लगे हुए हैं, बिस्कॉफ चीज़ केक है, यहाँ पे ट्रिपल चॉको चीज़ केक है, रसमलाई चीज़ केक है, तिरामिसु है, ओ माय गॉड, और मैक्रून्स भी लगे हुए हैं। एंड ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही थी मुझे गाइज, ये कोकोनट क्रीम चीज़ केक, रेसबेरी, ओ माय गॉड, इतने इंटरेस्टिंग से केक है बट है बड़े एक्सपेंसिव। तो आज का बजट बहुत है तो हमने तो अपने पैसे यहाँ पे रख दिए हैं कि हमारे लिए बन के आएगा एकदम फ्रेश फ्रेश रोज पिस्टैशियो केक। सो गाइज ये आ गया मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव केक जो मुझे पड़ा है पूरे के पूरे 510 रुपीस का, और इसी के साथ हम अपना चैलेंज जो है जीत चुके हैं। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे जस्ट लुक है दिस केक, रोज एंड पिस्टैशियो फ्लेवर केक, एंड इतना गजब का, इतना इंटरेस्टिंग ये केक लग रहा है कि वाकई शेफ ने ना इतना बढ़िया गार्निश करा है इसको। एंड एक बात और, क्योंकि ये फ्रेश बनाते हैं ना तो इसकी गार्निशिंग हर बार डिफरेंट होती है। शेफ ने मुझे बहुत सारी फोटोज दिखाई थी, मैंने उनको बोला था सरप्राइज मी, तो ये सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा है। ऑल राइट कम क्लोज, ओ लवली, देखिए फोक से केक काटा है मैंने और अब देखते हैं कि ये कैसा निकल के आता है। ओह ओह ओके ओके, देखो फ्रेश तो गाइस ये है क्योंकि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये केक बना है। इट्स नाइस, इट्स फ्रेश, एंड इसके अंदर रोज का भरपूर स्वाद आ रहा है गाइस। अभी तक तो मैंने रोज की सिर्फ कुल्फियां या आइसक्रीम ही खाई, आज फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग आउट रोज पिस्टैशियो केक, जो वाकई छोटा सा जरूर है, महंगा जरूर है गाइस, सिर्फ 250 ग्राम का केक है बट ये है एकदम फ्रेश। एंड इसका जो सबसे बढ़िया चीज़ है, इसकी जो स्वीटनेस है एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड, एंड ये 100% वेजिटेरियन है, इसके अंदर कोई अंडा वंडा नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें वेजिटेरियन। तो अगर आपका बजट है देन डू ट्राई आउट दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे केक वेक के साथ साथ बहुत सारी सेवरी चीज़ें भी मिली है जो मेरा खाने का मन हो रहा था पर आज नहीं खा सकते। इसी के साथ हम आज का चैलेंज करते हैं खत्म। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मिलूंगी किसी और चैलेंज में, तब तक के लिए बाय।